हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे सामान्य ज्ञान के बारे में। इसमें हम लोग ने इतिहास टॉपिक लिया हुआ है। इतिहास टॉपिक में हम लोग बात कर चुके हैं अभी तक गुप्त काल तक। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे पुष्यभूति वंश, उसके बाद देखेंगे हम लोग हर्ष के बाद जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ है उसे भी देखेंगे, पाल, पितिहार और राष्ट्रकूट। और इसी लेक्चर में हम लोग बात कर लेंगे सैन वंश के बारे में। ठीक है, पाल वंश, पितिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश और सैन वंश, इन सबको भी इसी में हम लोग पूरा कर लेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं पुष्यभूति वंश के बारे में। पुष्यभूति वंश में सबसे पहले आया नरवर्धन थानेश्वर 505 से 530 ईस्वी तक। फिर नरवर्धन थानेश्वर के बाद आया राज्यवर्धन प्रथम, ये 530 से 555 तक। फिर राज्यवर्धन के बाद आया आदित्यवर्धन, ये 555 से 580 तक रहा। फिर हुआ आपका प्रभाकर वर्धन, ये 580 से 600 ईस्वी तक रहा। फिर प्रभाकर के बाद तीन शासक हुए, कौन कौन से? राजवर्धन 605 में, और हर्षवर्धन और राजश्री राज्यश्री। लेकिन हर्षवर्धन 647 तक रहा, क्योंकि ये प्रमुख महान शासक था। इसके हर्षवर्धन के बाद आया शिलादित्य, फिर आया आपको थानेश्वर और कन्नौज के शासक, और फिर आए आपके थानेश्वर कन्नौज के बाद पुत्री ध्रुवसेन, फिर ध्रुव भट्ट वालादित्य वल्लवी, फिर धरसेन चतुर्थ वल्लवी। ठीक, तो ये थे पुष्यभूति वंश। अब बात करते हैं हम लोग इनके जो तत्व हैं उनके बारे में। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर की थी। याद रखना है, पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने हरियाणा के अंबाला जिले में थानेश्वर नामक स्थान पर की थी। पुष्यभूति वंश हूणों से हुए संघर्ष के कारण प्रसिद्ध हुआ। प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। प्रभाकर वर्धन इस वंश का चौथा शासक था। उसके दो पुत्र हुए राजवर्धन और हर्षवर्धन। हर्षवर्धन और राजवर्धन किसके पुत्र हैं? प्रभाकर वर्धन के। प्रभाकर वर्धन की एक पुत्री थी, उसका नाम था राजश्री। राजश्री का विवाह मौकरी वंश के ग्रह बर्मन के साथ हुआ। प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी यशोमती उसकी चिता में कूदकर आत्मदाह कर ली थी। ठीक है, प्रभाकर वर्धन के बाद राजवर्धन राजा हुआ। फिर हुआ आपका मालवा अभियान से लौटते समय मार्ग में गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी थी। याद रखिए, गौड़ शासक शशांक ने राजवर्धन की हत्या की थी। राजवर्धन का प्रधानमंत्री उसका ममेरा भाई भंडी था। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। इस डेट को याद रखना, हर्षवर्धन कब बैठा राजगद्दी पर? 606 ईस्वी में। हर्ष के विषय में हमें व्यापक जानकारी वाणभट्ट द्वारा रचित हरिश्चरित से मिलती है। ठीक है, हरिश्चरित किसने लिखी है? हरिश्चरित ये लिखी है वाणभट्ट द्वारा। हर्ष जो था, हर्ष का दरबारी कवि था वाणभट्ट। ठीक है, हर्ष ने कुल 41 वर्ष तक शासन किया। चीनी यात्री हेनसांग 629 से 645 के बीच भारत में रहा। याद रखना है आपको, ये पूछ लेता है किसके कार्यकाल में आया था, तो यह था आपका यात्री, चीनी यात्री किसके कालकाल में आया? हर्ष के कालकाल में। कब? 629 से 645 ईस्वी तक रहा हर्षवर्धन के कार्यकाल में। हेनसांग को यात्रियों में राजकुमार नीति का पंडित वर्तमान शाक्य मुनि नाम से जाना जाता है। किससे? हेनसांग को, चीनी यात्री को। हर्ष ने अपनी राजधानी कन्नौज में बनाई थी। ठीक, हर्ष को शिलादित्य नाम से भी जाना जाता है। हर्ष को शिलादित्य के नाम से जाना जाता है। हर्ष ने परम भट्टारक तथा उत्तरापत स्वामी की उपाधि धारण की। हर्ष का एक प्रतिष्ठित कवि एवं नाटककार था हर्ष। उसने नागानंद, प्रियदर्शिका, रत्नावली
नामक नाटकों की रचना की। याद रखना, पूछ लेता है कई बार। हर्ष के प्रतिष्ठित रचनाकार नाटककार क्या क्या हैं, रचनाएं है? तो नागानंद, प्रियदर्शिका एवं रत्नावली, ठीक है। बाणभट्ट की रचनाओं की बात करें तो हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती परिडय। हर्ष के काल काल में बाणभट्ट कवि था हर्ष का, ठीक है। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी, हर्षचरित, कादंबरी, पार्वती, ठीक, पार्वती परिडय। हर्ष बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के अलावा विष्णु और शिव को भी मानता था, ठीक। आगे बात करते हैं, वो हर्ष ने विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन कन्नौज तथा प्रयाग में किया था। हर्ष के द्वारा आयोजित कन्नौज सभा हेनसांग के सम्मान में की गई थी। इन सभा में विभिन्न धर्मों एवं संप्रदायों के आचार्यों को बुलाया गया था। इस सभा की अध्यक्षता हेनसांग ने की थी, ठीक, चीनी यात्री ने। हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों तथा बहुमूल्य वस्तुओं को खूब वितरण किया। हर्ष के दिन का प्रथम भाग सरकारी कार्य, दूसरा तथा तीसरा भाग धार्मिक कार्य हेतु था। हर्ष के दरबार में चीनी दूत मंडल 643 ईस्वी में एवं 646 ईस्वी में आया था, ठीक है, याद रखिए। हर्ष ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे, तो याद रखना चीनी दूत मंडल 643 और 646 में आए, और हर्ष के दूत मंडल चीन कब गए, 641 में, ठीक है। हर्ष द्वारा प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित सभा में मोक्ष परिषद कहा जाता था। सभा को जो प्रयाग में प्रतिवर्ष आयोजित होती थी सभा, उसे मोक्ष परिषद कहा जाता था। हर्ष का युद्ध एवं शांति का मंत्री अवंती था। हर्ष का महासेनापति सिंहनाद था, ठीक है, याद रखिए। हर्ष के समय महत्वपूर्ण अधिकारियों की बात करें तो सिंहनाद ये मुख्य सेनापति था इस समय। अमात मंत्रिपरिषद के मंत्री थे। उपरिक ये भुक्ति का प्रशासक था। दंडपासिक पुलिस का अधिकारी था। बेहदेश्वर अश्व सेना का अधिकारी था। बलाधिकृत पैदल सेना का अधिकारी था। स्कंदगुप्त गज सेना का मुख्य अधिकारी था। कुंतल ये अश्व सेना का प्रधान अधिकारी था। और अवंती शांति एवं युद्ध का मंत्री था। हेनसांग के अनुसार अधिकारियों को वेतन भूमि अनुदान के रूप में दिया जाता था। हर्ष के काल में, हर्ष के समय भूमि कर कृषि उत्पादन का छठा भाग वसूला जाता था। मालवा के राजा देवगुप्त को राजवर्धन ने पराजित किया था। हर्ष 16 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था, ठीक है। बात करते हैं हम लोग, हर्ष की प्राचीन राजधानी थानेसुर थी, याद रखना। 641 में हर्षवर्धन ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन के शासन काल का आरंभिक इतिहास वाणभट्ट से ज्ञात होता है। हेनसांग ने शूद्रों को कृषक कहा है। हर्षवर्धन सूर्य शिव एवं बुद्ध का उपासक था। हर्षचरित में हर्षवर्धन को सभी देवताओं का सम्मिलित अवतार कहा गया है। हर्षकालीन ताम पत्रों में केवल 3 करों का उल्लेख मिलता है, भाग, भूमिकर, हिरण और वली, ठीक है। आगे बात करते हैं, हर्षचरित के अनुसार थानेश्वर के प्रत्येक घर में शिव की पूजा होती थी। हेनसांग मगध के महायान संप्रदाय के 10,000 भिक्षुओं का उल्लेख करता है। हेनसांग ने 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया, ठीक है। यहाँ के कुलपति आचार्य शीलबद्ध थे। इस समय हेनसांग ने अपनी यात्रा वृतांत लिखा है, जिसका नाम है सी यू की, याद रखिए। सी यू की यात्रा वृतांत किसका है, हेनसांग का। आगे बात करते हैं हम लोग, हर्ष को दक्षिण के चालुक्य शासक पुलकेशन द्वितीय ने आगे बढ़ने से रोक दिया। पुलकेशन द्वितीय की राजधानी वतापी थी। सेना का सर्वोच्च अध्यक्ष महावलाधिकृत था। तो ये था हमारा उससे भूति वंश, ठीक है। अब बात करते हैं हर्ष की मृत्यु के बाद फिर मुख्य जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ उसके बारे में। इनमें शामिल थे पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश,
ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पीतिहार वंश के बारे में। चंदवरदाई, चंदवरदाई पृथ्वी चंदवरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार, पीतिहार और चालुक तथा चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। याद रखना, चंदवरदाई के पृथ्वीराज रासो के अनुसार परमार, पीतिहार, चालुक, चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, जिन्हें आबू पर्वत पर वशिष्ठ मुनि ने यज्ञ से उत्पन्न किया था। ठीक है। अग्निकुंड के राजपूतों में सर्वाधिक प्रसिद्ध राजवंश था पीतिहार। गुर्जर पीतिहार वंश की स्थापना हरिचंद ने की थी। याद रखना है, गुर्जर पीतिहार वंश की स्थापना किसने की? हरिचंद ने। गुर्जर पीतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। गुर्जर पीतिहार वंश का वास्तविक संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। ग्वालियर अभिलेख था, ठीक है, इसकी ग्वालियर अभिलेख में इसकी जानकारी मिलती है। वत्सराज गद्दी पर 780 में बैठा। पाल नरेश धर्मपाल को वत्सराज ने पराजित किया। ठीक है। नागभट्ट द्वितीय वत्सराज का पुत्र था। नागभट्ट द्वितीय ने चक्कायुद्ध को हराकर कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। मुंगेर के समीप धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय ने पराजित किया था। किसे? धर्मपाल को। नागभट्ट द्वितीय ने गोविंद तृतीय राष्ट्रकूट नरेश को पराजित किया था। याद रखिए। आगे बात करते हैं हम लोग पीतिहार वंश का सर्वाधिक पितापी एवं महान शासक हुआ मेहरभोज। पीतिहार वंश का सर्वाधिक पितापी एवं महान शासक कौन हुआ? मेहरभोज। मेहरभोज को पाल नरेश धर्मपाल राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव से पराजित होना पड़ा। अरबी यात्री सुलेमान मेहरभोज के शासनकाल में भारत आया था। याद रखिए, अरबी यात्री सुलेमान मेहरभोज के शासनकाल में भारत आया था। मेहरभोज ने आदि वराय की उपाधि धारण की थी। पीतिहार साम्राज्य का विस्तार मगध उत्तरी बंगाल तक महेंद्रपाल ने किया। महेंद्रपाल के गुरु संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान राजशेखर थे। राजशेखर की प्रसिद्ध कृति है काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी। ठीक है, काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी राजशेखर की प्रमुख कृति हैं। महेंद्रपाल के बाद महीपाल 914 से 43 तक शासक बना। फिर बगदाद निवासी अल मसूदी महीपाल के समय 915 से 16 में भारत आया था। बगदाद निवासी अल मसूदी महीपाल के समय भारत आया था। ठीक है। महीपाल के समय राष्ट्रकूट नरेश इंद्र तृतीय ने कन्नौज पर आक्रमण कर नगर को उजाड़ दिया। ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग राष्ट्रकूट वंश के बारे में। क्या है राष्ट्रकूट वंश के बारे में? राष्ट्रकूट वंश, इसमें प्रथम शासक हुआ दंती वर्मन प्रथम, फिर उसके बाद इंद्र प्रथम, फिर उसके बाद हुआ गोविंद प्रथम, फिर करक या कक प्रथम। ठीक है। पहले दंती वर्मन, फिर इंद्र प्रथम, फिर गोविंद प्रथम, करक कक प्रथम। इसके बाद तीन शासक हुए, इंद्र द्वितीय, चालुक्य राजकुमारी से विवाह किया इसने, फिर कृष्ण प्रथम अकाल वर्ष शुभतुंग 768 से 772 तक पत्थर काटकर बेरूमल में कैलाश मंदिर बनवाया कृष्ण प्रथम ने। याद रखना। फिर हुआ नव, इन्हीं तीन में करक के बाद तीन शासक हुए इंद्र द्वितीय, कृष्ण प्रथम और नव। शंकर नव के बाद शंकरगढ़ 793 ईस्वी में महान शासक था इनमें, लेकिन कृष्ण प्रथम, जिसने, याद रखना, कई बार पूछा जा चुका है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कृष्ण प्रथम ने। कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया। आपके कृष्ण प्रथम के बाद होता है गोविंद द्वितीय आता है और ध्रुव, लेकिन गोविंद द्वितीय का नाम कम है, ध्रुव चर्चित रहा, महान था ध्रुव। ठीक। तो ध्रुव के बाद आते हैं कम्भ, स्तंभ, रणावलोक, फिर गोविंद तृतीय, इसमें इंद्र, लाट शाखा। गोविंद महान, गोविंद तृतीय महान शासक था, 793 से 814 तक रहा। फिर गोविंद तृतीय के बाद नृपतुंग अमोघ वर्ष प्रथम या सर्व
814 से 878 तक रहा। फिर इसके बाद दो शासक हुए, कृष्ण द्वितीय 878 से 914 ईस्वी तक, और दूसरा था पुत्री शंखा पल्लव राजा नंदीवर्मन तृतीय से व्यवहार हुई थी इनकी, ठीक। फिर कृष्ण द्वितीय के बाद आते हैं चैदी कलचूरी राजा को कल की पुत्री से विवाह हुआ, जंगतुम कलचूरी राजकुमारी लक्ष्मी से विवाह हुआ इसका। फिर इंद्र तृतीय 915 से 927 कलचूरी राजकुमारी विजाम्बा से विवाह किया इसने। दूसरा था वच्छिद या अमोघ वर्ष तृतीय, इसने कुंदका से विवाह किया, इसका कार्यकाल रहा है 934 से 939। इंद्र तृतीय के बाद आया अमोघ वर्ष द्वितीय और गोविंद चतुर्थ था 918 से 934 ईस्वी तक, और अमोघ वर्ष तृतीय के बाद आए हैं चार शासक हुए, उसकी पुत्री रेवका गंग राजा बुतुक से सेकंड से विवाह किया था इसने कृष्ण तृतीय 939 से 968 तक। इंद्र चतुर्थ की मृत्यु हुई इसके बाद, कृष्ण तृतीय के बाद इंद्र चतुर्थ, और फिर खेतिन 968 से 972 तक, ठीक। फिर निरूपम कक्कल या करक द्वितीय या अमोघ वर्ष फोर्थ 972 से 973 तक रहा, ठीक है। तो एक था ये जानकारी राष्ट्रकूट वंशों के बारे में। बात करते हैं अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना दंती दोरग ने 752 ईस्वी में की। दंती दुर्ग ने अपनी राजधानी मानखेत मालखंड को बनाया, ठीक है। दंती दुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्य गर्भ दान किया था। दंती दुर्ग ने महाराजा धीराज परमेश्वर परम भट्टाकार उपाधियां धारण की। दंती दुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम हुआ। कृष्ण प्रथम ने बादामी के चालुक्यों का अस्तित्व समाप्त कर गंगों की राजधानी मान्यपुर पर कब्जा कर लिया। फिर हुआ एलोरा का, जैसा कि आपको पता होगा एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था, याद रखिए, फिर भी बता रहा हूँ फिर से कि एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, एलोरा का विख्यात कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम ने बनवाया था। आगे ध्रुव ने राष्ट्रकूट शासक ने कन्नौज पर अधिकार करने हेतु वत्सराज एवं धर्मपाल को पराजित किया। ध्रुव को धरा वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। ध्रुव का पुत्र एवं उत्तराधिकारी गोविंद तृतीय हुआ। गोविंद तृतीय ने चक्रायुध एवं उसके संरक्षक धर्मपाल तथा पितिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय को पराजित कर कन्नौज पर अधिकार कर लिया, ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, गोविंद तृतीय ने अपने विरुद्ध खड़े पल्लव पांडव केरल एवं गंगों के सम्मिलित संघ को पराजित किया इसने, ठीक है। गोविंद तृतीय के बाद राजगद्दी पर अमोघ वर्ष बैठा 814 ईस्वी में। अमोघ वर्ष जैन धर्म का अनुयायी था, इसने कन्नड़ में कविराज मार्ग की रचना की, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग आदि पुराण के रचनाकार जिनसेन, गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य तथा अमोघ वित्ति के लेखक सक्तायना अमोघ वर्ष के दरबार में रहते थे, ठीक है। अमोघ वर्ष तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था इसने। अमोघ वर्ष ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि लेकर अपने जीवन का अंत किया था। अल मसूदी इंद्र तृतीय के समय भारत आया था। अल मसूदी ने तत्कालीन भारत का सर्वश्रेष्ठ शासक इंद्र तृतीय को कहा है। कृष्ण तृतीय ने चोलों को परास्त कर कांची एवं तंजावुर पर अधिकार कर लिया। कृष्ण प्रथम ने तंजावुर में विजय स्तंभ बनवाया था, ठीक है। एलोरा गुफाओं का सर्वप्रथम वर्णन थेवीनेट फ्रांसीसी यात्री ने 17वीं शताब्दी में किया था। बौद्ध गुफाओं में सबसे प्रसिद्ध विश्वकर्मा गुफा संख्या 10 है। एलोरा की गुफा 15 में विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है। एलोरा एलिफेंटा गुहा मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूट के समय हुआ, याद रखना। राष्ट्रकूट शैव वैष्णव शाक्त संप्रदाय के साथ साथ जैन धर्म के भी उपासक थे। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। श्री सीएक परमार ने राष्ट्रकूटों की राजधानी मान्यखेत पर आक्रमण कर
इसे पूर्णतः ध्वस्त कर दिया। बात करते हैं पाल वंश। क्या पाल वंश के बारे में? पाल वंश का संस्थापक गोपाल 750 से 770 ईस्वी तक रहा। याद रखना है पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। गोपाल को कुछ प्रमुख व्यक्तियों ने राजा चुना था। गोपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ओदंतपुरी के में मठ का निर्माण गोपाल ने करवाया था। ठीक, गोपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी हुआ धर्मपाल। धर्मपाल ने कन्नौज के शासक इंदायुद को परास्त कर चक्रायुद को कन्नौज की राजगद्दी पर बैठाया। सोडल कवि ने धर्मपाल को उत्तरापद स्वामी स्वामिन कहा है। ठीक, धर्मपाल को नागभट्ट द्वितीय एवं राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव ने पराजित किया। धर्मपाल बौद्ध धर्म का अनुयायी था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल ने की। याद रखिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? धर्मपाल ने। ठीक, धर्मपाल ने नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च हेतु 200 गांव दान दिए थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। धर्मपाल का पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल हुआ 810 से 850 ईस्वी तक। असम उड़ीसा नेपाल के कुछ भागों पर देवपाल ने अधिकार किया। अरब यात्री सुलेमान ने देवपाल को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया। देवपाल ने अपनी राजधानी मुंगेर में बनाई। देवपाल अपने वंश का महानतम शासक था। शैलेंद्र शासक ने नालंदा में बौद्ध मठ की स्थापना हेतु देवपाल से अनुमति ली थी। ठीक है, देवपाल ने खर्च हेतु 5 गांव दान में दिए। महीपाल प्रथम ने पाल वंश की खोई हुई शक्ति को पुनर्जीवित किया। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक था महीपाल। प्रथम को माना जाता है, प्रथम था, याद रखना। पाल वंश का द्वितीय संस्थापक कौन हुआ? महीपाल प्रथम। ठीक है, पाल वंश के पतन के बाद सैन्य वंश का वहां सत्ता में आया। पाल वंश के पतन के बाद सैन्य वंश वहां सत्ता में आया। ठीक, बंगाल का प्राचीन नाम था गौड़। संध्याकार नंदी द्वारा रामचरित रामपाल की प्रशंसा में लिखा गया था। संध्याकार नंदी द्वारा रामचरित रामपाल की प्रशंसा में लिखा गया। बंगाल में केवर्त विद्रोह रामपाल के शासनकाल में हुआ था। अरब यात्री सुलेमान ने पाल शासक को रोहिमा अर्थात धर्मभ्रष्ट कहा है। बात कर लेते हैं त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था उसमें भाग लेने वाले राजाओं की बात। तो ये गुर्जर प्रतिहार हैं, ये राष्ट्रकूट हैं, ये पाल हैं। तो पहला है गुर्जर है, पहला वत्स राज 783 से 795 तक। फिर राष्ट्रकूट में ध्रुव और पाल में धर्मपाल। ठीक है, फिर हुआ सेकंड नागभट्ट सेकंड, गोविंद द्वितीय तृतीय और देवपाल। ठीक है, फिर रामभट्ट गुर्जर प्रतिहार में, राष्ट्रकूट में अमोघ वर्ष और पाल में विग्रहपाल। मेहरभोज कृष्ण राष्ट्रकूट में कृष्ण और पाल में नारायण पाल और फिर गुर्जर में अंतिम महेंद्रपाल। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसी लेक्चर में हम लोग सैन्य वंश को भी देख लेते हैं। ठीक, सैन्य वंश की स्थापना सामंत सैन ने राड़ में की थी। सैन्य वंश की स्थापना सामंत सैन ने की। सामंत सैन का पुत्र एवं उत्तराधिकारी विजय सैन हुआ। सैन्य वंश की राजधानी नदिया लखनौती में थी। विजय सैन का उत्तराधिकारी बल्लाल सैन हुआ। बल्लाल सैन ने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ लिखे। बल्लाल सैन ने जाति प्रथा एवं कुलीन प्रथा को बढ़ावा दिया। लक्ष्मण सैन 1178 में गद्दी पर बैठा। बल्लाल सैन ने गोंडेश्वर तथा नीशंका शंकर की उपाधि धारण की। लक्ष्मण सैन के शासनकाल में सामंतों ने विद्रोह कर अनेक स्वतंत्र राज्य गठित कर लिए। लक्ष्मण सैन सैन्य वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। विजय सैन शैव धर्म का अनुयायी था। देवपाड़ा में झील एवं शिव का मंदिर विजय सैन ने बनवाया था। हला युद्ध लक्ष्मण सैन का न्यायाधीश तथा मंत्री था। लक्ष्मण सैन का दरबारी कवि था जयदेव। जयदेव की रचना का नाम है गीत गोविंद। ठीक है,
सेन वंश के संस्थापक सामंत सेन को ब्रह्मा क्षत्रिय नाम से जाना जाता है। विजय सेन की दो राजधानियाँ थीं, विजयपुरी और विक्रमपुरी। पवन दूत धोई ने लिखी थी, पवन दूत धोई ने लिखी थी। विजय सेन के गुणगान में विजय प्रशस्ति श्रीहर्ष ने लिखी थी। आर्या सप्तशती की रचना गोवर्धन ने की थी। आर्या सप्तशती सती की स्थापना की रचना गोवर्धन ने की थी। ये था आपका सेन वंश। आगे हम लोग बात करेंगे राजपूत वंश के बारे में। ठीक, राजपूत वंश के बारे में।